महज 3 साल पहले ये पूरी जगह एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद के कुछ ही महीनों में यहाँ बहुत आधुनिक फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। खास बात यह है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कोई कॉरपोरेट कंपनी या कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस नहीं था, बल्कि किसानों की एक उत्पादक कंपनी थी, और उसके बाद लगातार बिजनेस की दुनिया में ये कंपनी नए मानक स्थापित कर रही है। साल 2004 में 10 किसानों के साथ एक किसान उत्पादक कंपनी यानी FPO के तौर पर अस्तित्व में आई सह्याद्री फार्म्स का एक लक्ष्य तो शुरू से ही तय था कि उसे अंगूरों के एक्सपोर्ट से अपनी किस्मत बदलनी है। पिछले केवल 3 वर्षों में यूरोपीय संघ को भारत से होने वाले कुल अंगूर निर्यात में सह्याद्री फार्म्स की हिस्सेदारी 9% से लगभग दोगुनी होकर 16% हो चुकी है, और ये उपलब्धि हासिल करने में पिछले 3 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए कंपनी के निवेश की अहम भूमिका रही है। यहाँ पे अराउंड 300 मेट्रिक टन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैक किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बनाना राइपनिंग चैम्बर, जहाँ पे हम लोग 200 मेट्रिक टन बनाना राइपनिंग करते फॉर रिटेल मार्केट। इसके अलावा हम लोगों के पास वैक्यूम प्रीकूलिंग ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग ये कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लीफी वेजिटेबल्स वैक्यूम प्रीकूलिंग करके उसका शेल्फ लाइफ अराउंड 10-12 डेज बढ़ा सकते हैं। एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी छोड़कर सह्याद्री फार्म्स ज्वाइन करने वाले रूपेश खिस्ते ने खुद अपनी देखरेख में लगभग 85 करोड़ रुपए के निवेश से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाया। इसके साथ ही आज की तारीख में इस कंपनी के पास प्रतिदिन 350 टन फल सब्जियों और 250 टन प्रोसेस्ड फल सब्जियों की हैंडलिंग की क्षमता है। इसके अलावा यहाँ 6 प्री कूलिंग रूम हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता 50 टन प्रतिदिन की है। पत्तेदार सब्जियों के लिए वैक्यूम फ्री कूलिंग रूम है, और फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने के लिए 8 अत्याधुनिक चैम्बर हैं, जिनमें हर एक की क्षमता 25 टन है। आमों की प्रोसेसिंग के लिए 8 सेमी कंट्रोल्ड राइपनिंग चैम्बर हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 2000 टन प्रतिदिन की है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया है मई 2013 में। वी स्टार्टेड विद बेयर लैंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, आवर होल टीम एक्सपीरियंस, हम लोगों ने यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चालू किया। इसमें लगभग 17 कंट्रीज से मशीनरी इंपोर्ट की गई है, और कुछ मशीनरी इंडिया से भी हमने ली हुए है। सो आई कैन से दिस इज़ अ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूनिट, जहाँ जहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी है हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट मूविंग फ्रोजन और ड्रमों में रखे जाने वाले फलों के पल्प के यहाँ 6000 टन क्षमता के कोल्ड स्टोर हैं, और इनके अलावा 50 टन प्रतिदिन क्षमता के IQF संयंत्र, 40 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लेट फ्रीजर संयंत्र और 150 टन प्रतिदिन क्षमता का पल्प बनाने का संयंत्र भी है। आने वाले कुछ महीनों में कंपनी इस 65 एकड़ के कैंपस में जैम, केचप जैसे तैयार उत्पादों का प्लांट भी लगाने जा रही है। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे कामकाज के लिए बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों की भी जरूरत होती है। केवल निर्यात के लिए पैकिंग किए जाने वाले अंगूरों की इस लाइन में ही करीब 1200 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इनके अलावा करीब 500 और लोग अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन पे 244 लेबर्स काम कर रहे हैं, तो 5 लाइन का मिला के हो गया करीब करीब 1200 लेबर हो गए, और एक लाइन पे एक घंटे में 5 मेट्रिक टन पैक होता है। इस हिसाब से 5 लाइन अगर चलता है पूरा, तो एक घंटे में 25 मेट्रिक टन पैक होता है। और क्वालिटी कंट्रोल का जो भी स्पेसिफिकेशन बायर का रहता है, उस हिसाब से सब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ इनवर्ड सेक्शन में, पहले इनवर्ड का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद लॉट प्रोडक्शन के लिए ऑफर होता है, उसके बाद क्वालिटी आफ्टर पैकिंग का उसका चेकिंग होता है, और आफ्टर पैकिंग फिर उसको जब वो प्रीकूलिंग के लिए जाता है, वहाँ पे फिनिश गुड का भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। किसानों के इस FPO को चलाने के लिए एक बिल्कुल ही कॉरपोरेट ढांचा तैयार किया गया है, जहां अपने अपने क्षेत्रों के तमाम दिग्गज पेशेवर अंदाज में काम करते हैं। ऐसे ही एक पेशेवर हैं क्षितिज अग्रवाल, जो सह्याद्री रिटेल के CEO हैं। हालांकि सह्याद्री रिटेल का FPO सह्याद्री फार्म से कोई सीधा संबंध नहीं, और न ही इसमें किसानों की सीधी हिस्सेदारी है, लेकिन इस कंपनी के जरिए सह्याद्री फार्म्स बड़े पैमाने पर खाद और कीटनाशक विदेशों से आयात करती है, और बहुत ही कम मार्जिन पर किसानों को उपलब्ध कराती है।
क्षितिज अग्रवाल का दावा है कि कंपनी अपनी इस रणनीति से सह्याद्री फार्म्स एफपीओ के सदस्य किसानों का लागत खर्च करीब 20% तक कम करने में सफल रही है। ग्रेप के लिए जो हम लोग मेजर काम करते हैं, ग्रेप में करीब 1,00,000 रुपये एकर का खर्चा आता है फार्मर का, वहाँ हम इस साल उसको 80,000 रुपये तक लेके आ पाए हैं। और आगे जिस तरह का अभी और प्लानिंग चल रहा है कि जहाँ जहाँ इनपुट्स में फार्मर को वैल्यू मिल पाए, तो ये जो कॉस्ट आज सेव हो रहा है वो फार्मर को डेफिनेटली प्रॉफिट में दिख रहा है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे किसानों के खेतों में पैदा होने वाले कुछ किलो फलों और सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में भी सह्याद्री रिटेल अहम भूमिका निभा रही है। फिलहाल कंपनी मुंबई की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज तक सीधे इन्हें बेचती है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में मुंबई और नासिक में 10-10 स्टोर भी खोलने जा रही है। फार्मर की प्रेजेंट कॉस्ट क्या आ रही है और उसकी यील्ड कैसे बढ़े, ये हमारा काम पहला होता है। उसके बाद बीइंग अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम लोग जहाँ उनको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं, अगर उनको उनके लोकेशन पे कोई बेटर रेट दे रहा है मार्केट से, तो दे आर फ्री टू सेल इट टू दोज पार्टीज। बट अगर उन्हें मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ हम फ्रेश फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी काम कर रहे हैं, जो कि हम बॉम्बे, पूना, नासिक 3 मार्केट हमने शुरू किए हैं। इसमें हम डायरेक्ट सोसाइटीज़ को, डायरेक्ट कंज्यूमर को माल दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कोई दुकानदार या कोई व्यापारी बीच में नहीं रखा है। एग्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद सह्याद्री फार्म्स की शुरुआत करने वाले विलास शिंदे ने अंगूर के निर्यात में जो मुकाम हासिल किया है, उसे वे अब दूसरे फसलों में भी दोहराना चाहते हैं। बढ़ते काम के मद्देनजर सह्याद्री फार्म्स अब किसानों की जगह एफपीओ को अपना सदस्य बनाती है, और इस योजना को आगे बढ़ाते हुए शिंदे अलग अलग फलों सब्जियों में विशेषज्ञता रखने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के एफपीओ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हम लोग मार्केटिंग एंगल से देख रहे हैं कि हर एक एफपीओ अगर एक साथ जुड़ जाए, जो भी मतलब अलग अलग क्रॉप में काम कर रहे हैं, उनका अगर एक फ्रंट बने, जैसे हिमाचल में सेब हो रहा है, महाराष्ट्र में या नासिक में ग्रेप हो रहा है, नागपुर में संतरा हो रहा है, अलग अलग क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्रॉप के लिए कोई मार्केटिंग सिस्टम वायबल नहीं। अगर उनका एक कॉमन फ्रंट बने और उसके थ्रू अगर मार्केटिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली हर एक के लिए वैल्यू बन रही है। तो हम वो उसको उस तरीके से सोच रहे हैं कि हर एक एपीओ को हम लोग लिंक करें और उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करें, और उनकी वीकनेस जो है उसको एक कॉमन फ्रंट से सपोर्ट करें। शिंदे अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल को अपनी कंपनी और उसके कारोबार का आदर्श मानते हैं, और इसी तर्ज पर एफपीओ की कारोबारी सफलता का एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। पिछले एक दशक में उनकी कंपनी ने जो सफलताएं हासिल की हैं, उसे देखते हुए ये बेमानी नहीं होगी कि आने वाले वर्षों में सह्याद्री फार्म्स किसानों की सफलता की एक नई इबारत। डोरी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।